हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको इसकी कटिंग दिखाई थी, अब इसकी स्टिचिंग दिखाती हूँ। तो ये अस्तर वाला ब्लाउज़ की हमने कटिंग जो की थी, अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो ये अंदर का जो है ये अस्तर है और बाहर का जो है ये ब्लाउज़ पीस है। तो पहले हम क्या करते हैं, यह हमने अस्तर का ब्लाउज़ का मतलब ये जो गला है हमने अस्तर का कट किया है, ब्लाउज़ पीस का नहीं कट किया। तो अब यहाँ से हम सिलाई लगाते हैं। पहले हम गला तैयार करेंगे। पहले तो हमने ये गले के ऊपर, अस्तर के ऊपर हमने ये सिलाई लगाई है। अब इसको हम कटिंग करते हैं। यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। गोलाई में हम छोटे छोटे कट लगाते हैं। कट लगाने के बाद इसको हम पलटी करेंगे। तो इसके ऊपर हम सिलाई लगाते हैं। ये गला पलटी करने के बाद इसके ऊपर हम सिलाई लगाते हैं। ये गले के ऊपर हमने सिलाई लगाई है। तो अब इसको इस तरह से करके यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है उसको पहले हम ऊपर की साइड से कट करते हैं। अब जो नीचे की साइड है उसको जैसे कि हम क्रॉस पट्टी जैसे करते हैं उस तरह से इसको यहाँ पे उल्टा करके यहाँ से सिलाई लगाते हैं।
फुल पीस को इस तरह से उल्टा करके ये ऐसे आएगा। तो इसके ऊपर हम सिलाई लगाते हैं। यहाँ से हम सिलाई लगाने के बाद ये साइड का जो है वहाँ से भी हम सिलाई लगाते हैं। हमने जो अस्तर को मतलब कट किया था उसको सब को हमने इस तरह से इसको ज्वाइन किया है। पूरा पूरे साइड से हमने सिलाई लगाई है। इसको भी हम इस तरह से पूरी सिलाई लगा के हमने इसको ज्वाइन किया है। और जो एक्स्ट्रा आधा आधा इंच हमने एक्स्ट्रा छोड़ा था यह ब्लाउज़ को, तो हमने ब्लाउज़ को भी एक्स्ट्रा मतलब कट किया है। और जो अस्तर का कटिंग थी उसके हिसाब से हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हमने कट किया। अब इसको ज्वाइन कैसे करते हैं ये देखते हैं। पहले हम कटोरी को टोक्स लगाते हैं। तो कटोरी को हम इस तरह से फोल्ड करके इसका सेंटर निकाल के यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे। सीधा ऊपर की साइड से हम 2.5 इंच लेंगे और इस साइड से हम 1.5 इंच लेंगे। यहाँ पे हम 1.5 इंच लेते हैं तो ये यहाँ से सिलाई आएगी। इस तरह से यहाँ से सिलाई आएगी और ये जो पार्ट है हम इसके ऊपर इस तरह से रख के यहाँ से हम इसको ज्वाइन करेंगे। इस तरह से ये आएगा। अब इसको हम क्रॉस पट्टी ज्वाइन करेंगे। अब ये जो क्रॉस पट्टी है ये सीधी साइड से हम इस तरह से रखेंगे, इस तरह से रखते हैं। और ये जो अस्तर वाली क्रॉस पट्टी है इसको इस साइड से हम यहाँ पे रखते हैं और ये तीनों को यहाँ पे हम सिलाई लगाते हैं। इस तरह से तो अब इसको हम यहाँ पे ये करके यहाँ से हम सिलाई लगाते हैं। अब इसको हम पलटी करेंगे।
ये पलटी करने के बाद ये इस तरह से आएगा। तो एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको हम कट करते हैं। यहाँ पे जैसे कि अंदर से भी सिलाई हुई एकदम प्लेन आती है और बाहर से भी एकदम प्लेन आती है, तो हम यहाँ पे अभी इसको पट्टियाँ लगाते हैं। जब हम पट्टी लगाते हैं तो इसको सीधा थोड़ा सा कट लगाना पड़ता है इस तरह से। अब इसको उल्टी साइड से यहाँ पे हम इस तरह से सिलाई लगाते हैं। इसको हम यहाँ पे थोड़ा फोल्ड करके इसके ऊपर हम इस तरह से फोल्ड करेंगे ताकि ये एक्स्ट्रा पट्टी रहती है। एक्स्ट्रा जो पट्टी है उसको हम कट करते हैं। अब दूसरा जो पार्ट है इसी तरह से हम तैयार करके लेते हैं। हमने ये पार्ट तैयार किया था उसी तरह से हमने ये पार्ट तैयार किया है। अब इसको ये पट्टी कैसे लगाते हैं ये देखते हैं। तो पहले हम इसको सीधा कटिंग करेंगे। पट्टी को हम इस तरह से यहाँ से हम सीधी सिलाई लगाते हैं। इसको हम यहाँ पे एक सिलाई लगाते हैं। अब फिर इसको इस तरह से फोल्ड करके ऊपर के साइड से हम सिलाई लगाते हैं। इस तरह से ये दूसरा पार्ट आता है। यहाँ पे हमने अभी पाइपिंग लगानी है। तो जो पिछले बैक साइड का जो पार्ट है हमारा इसको हमने पलटी किया था तो इसको हम पाइपिंग नहीं करेंगे। जो फ्रंट साइड का हिस्सा है उसको ही हम पाइपिंग करेंगे। तो ये हमने क्रॉस में पट्टी निकाली है तब इसको पाइपिंग करते हैं। पट्टी को हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे। अब इसको हम इस तरह से
यहाँ से हम सिलाई लगा के फोल्ड करते हैं। यहाँ से हम इस तरह से ये फोल्ड करके इसके ऊपर हम सिलाई लगाते हैं। दूसरे साइड को भी हम इसी तरह से पाइपिंग लगाते हैं, दोनों साइड को। जैसे कि इसको हमने पाइपिंग लगाई थी, इसको भी हमने पाइपिंग लगाई है। अब इसको हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो ये बैक साइड का पार्ट है, इसके ऊपर हम इस तरह से रख के ये शोल्डर जॉइंट करते हैं। यहाँ से हम सिलाई लगाते हैं। अब यहाँ पे हम स्लीव्स ज्वाइन करेंगे। अब स्लीव्स को हम इस तरह से अस्तर को ज्वाइन करते हैं। पहले हम स्लीव्स को इस तरह से अस्तर पे रख के यहाँ से हम सिलाई लगाते हैं। सिलाई लगाने के बाद इसको हम इस तरह से पलटी करते हैं। फिर इसके ऊपर हम सिलाई लगाते हैं। इसके ऊपर हमने ये सिलाई लगाई है। अब इसको इस तरह से ये करके यहाँ से हम अस्तर पे ज्वाइन करेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करेंगे। ये जो है ये आगे का हिस्सा है और ये बैक साइड का। तो हम बाजू का पहले सेंटर निकालते हैं।
ये यहाँ पे शोल्डर पे सेंटर पे आनी चाहिए। तो इस तरह से अब इसको हम ज्वाइन करेंगे। ये इस तरह से हमारी ये स्लीव्स आती है। तो अब दूसरे साइड की भी हम स्लीव्स लगाते हैं। स्लीव्स को हमने इसको ज्वाइन किया है। अब इसको इस तरह से सीधा करके यहाँ से हम फिटिंग की टिप लगाते हैं। तो पहले हम सीधी सिलाई लगाएंगे। एक जैसा इसको कट करना है। दूसरी साइड को भी हम इसी तरह से सिलाई लगाते हैं। जैसे कि इसको हमें सीधा इस तरह से करना है और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। ये सीधी सिलाई लगा के हमने इसको पलटी किया है। पलटी करने के बाद ये इस तरह से आता है, ये ऐसा। तो जो बैक साइड का पार्ट है, जो हमारी बैक साइड है, उसको हमें यहाँ से यहाँ तक नापना है। जैसे कि इस तरह से यहाँ तक 20 इंच। तो उसका हम सेंटर निकालते हैं 10 इंच। इसका हमने सेंटर निकाला है। तो फिटिंग करने के बाद जो एक्स्ट्रा पट्टी है, तो ये हम ये सेंटर पे रखते हैं इस तरह से। ये एक्स्ट्रा है तो इसको छोड़ देते हैं और यहाँ से हम सेंटर को इस तरह से पकड़ के यहाँ पे अब फिटिंग की निशान लगाते हैं। जैसे इस तरह से चेस्ट है हमारी 38 इंच, तो हम ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको छोड़ के यहाँ पे हम 9.5 इंच लेते हैं। 9.5 इंच पे हम एक निशान लगाते हैं। 32 इंच हमारा कमर है तो 8 इंच यहाँ पे हम निशान लगाते हैं और 6 इंच हमारी बाजू की मोहरी है। बाजू की चौड़ाई है हमारी 6 इंच, तो हम यहाँ पे 6 इंच पे हम एक निशान लगाते हैं। तो यहाँ से हम ये सीधी लाइन में इसकी फिटिंग करेंगे। इस तरह से आएगा। अब दूसरी साइड भी हम उसी तरह से इसकी फिटिंग करते हैं। जैसे कि इसको हम सेंटर में रखते हैं। जैसे ये एक्स्ट्रा पट्टी थी इसीलिए हमने ये आगे रखी थी। अब ये जैसे हमें हुक लगाते हैं वो पट्टी
ये एक्स्ट्रा नहीं है, इसीलिए हम उसको ये सेंटर से आगे नहीं लेंगे, ये सेंटर पे ये रखते हैं और यहाँ पे जैसे इसको मार्किंग किया था इसी तरह से यहाँ पे और यहाँ और बाजू में यहाँ से हम सीधी सिलाई लगाते हैं मार्क करके। जैसे कि 38 चेस्ट का हमारा ये ब्लाउज़ है तो हम 9.5 इंच पे यहाँ पे मार्किंग करेंगे। ये कमर है हमारी 8 इंच, मतलब 32 इंच, तो 8 इंच पे करते हैं और यहाँ पे हम 6 इंच पे, जैसे कि बाजू की मोहरी है 6 इंच, तो ये सीधी सिलाई हम लगाते हैं। सिलने के बाद हमारा ये ब्लाउज़ इस तरह से आएगा।